सीरीज जीतने के लिए कप्तान रोहित शर्मा लेंगे बड़ा फैसला। इंग्लैंड के खिलाफ तीन वनडे मैच की सीरीज 1-1 से बराबरी पर खड़ी हुई है। इंग्लैंड के दूसरे वनडे मैच में भारतीय टीम को 100 रनों से हरा दिया है। इस मैच में भारत के कई प्लेयर्स ने बहुत ही खराब खेल दिखाया है, इनकी वजह से ही टीम इंडिया को हार कर सामना करना पड़ा। ऐसे में सीरीज जीतने के लिए कप्तान रोहित शर्मा प्लेइंग 11 में बड़े बदलाव कर सकते हैं। कप्तान कई खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में प्रसिद्ध कृष्णा ने बहुत ही खराब खेल दिखाया। कृष्णा की वजह से ही टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा। उनके खिलाफ विरोधी बल्लेबाजों ने खूब रन बनाए, वही टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ा बोझ बन चुके। ऐसे में कप्तान रोहित शर्मा उन्हें प्लेइंग 11 से बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं। प्रसिद्ध की जगह शार्दुल ठाकुर को मौका दिया जा सकता है। शार्दुल कातिलाना गेंदबाजी और धाकड़ बैटिंग में माहिर है। सफेद गेंद के क्रिकेट में ऋषभ पंत कमाल दिखाने में विफल रहे। दूसरे मैच में जब विराट कोहली और रोहित शर्मा जल्दी आउट हो गए थे, तब ऋषभ पंत पर रन बनाने की जिम्मेदारी थी, लेकिन वह बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। ऐसे में उनकी जगह तीसरे वनडे मैच में ईशान किशन को मौका दिया जा सकता है। ईशान किशन की विकेट कीपिंग स्किल भी कमाल की है। सूर्यकुमार यादव एक मैच में रन बनाते हैं, फिर दो मैच में फ्लॉप साबित हो रहे हैं। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में सूर्यकुमार यादव ने 29 गेंद में सिर्फ 27 रन बनाकर आउट हो गए। दूसरे वनडे मैच में मिडिल ऑर्डर भारत की सबसे कमजोरी कड़ी साबित हुआ था, जिसकी वजह से भारत को हार का सामना करना पड़ा। तीसरे वनडे मैच में सूर्यकुमार यादव की जगह श्रेयस अय्यर को मौका मिल सकता है। टीम इंडिया में आपका फेवरेट खिलाड़ी कौन है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। मिलती हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।